तो भाई आज का ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा मिस्ट्रियस होने वाला है। इवन मैं यहाँ तक के बोल सकता हूँ कि आप में से पूरी 95% लोगों को इन सब चीज के बारे में नहीं पता होगा। जिसमें से पहला टॉपिक है मास्टर का बोन चिलिंग फिल्म, मतलब जब वो बोन चिलिंग फिल्म लेता है एंड मास्टर की एक ऐसे जी है जो की मास्टर को अपने जान से भी ज्यादा चाहती थी एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो अपनी सोल बॉडी सब कुछ मास्टर यालो के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। ऐसे हाँ आप लोगों ने तो सुना तो बहुत है कि मास्टर जब बोन चिलिंग फिल्म लेता है तब उसके जीएब उसके लिए सैक्रिफाइस कर देती है, बट कौन थी वो, कैसे सैक्रिफाइस करती है, सब कुछ आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। एंड शुक्रिया आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये वीडियो अभी के लिए बस मेंबर के लिए अपलोड करूंगा एंड हो सके तो 5-6 दिन बाद मैं ये पब्लिश कर दूंगा, शायद देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट टाइम मास्टर यालो को बोन चिलिंग फिल्म के बारे में पता चलता है फेंग जियान से। हाँ ब्रो, वही वाला फेंग जुनजी जो मास्टर का खास दोस्त है। तो यहाँ पे फेंग जुनजी मास्टर यालो को बताते हैं कि एक बंदा आया है जो कि फॉलन स्पिरिट आइस सोर्स से आया। तभी मास्टर यालो हैरान से बोलता है फॉलन स्पिरिट आइसोस, अरे वो तो डेड जोन मानी जाती है, वहाँ पे एक दाओ जोंग भी इतनी आसानी से सरवाइव नहीं कर सकता। तभी फेंग जुन जी बोलता है अरे पहले पूरा बात तो सुन लो, अभी अभी सुनने को मिला है कि वहाँ पे एक हेवनली फ्लेम कुछ दिन में डिस्कवर हुआ है, जिसे उनके यहाँ पे मास्टर यालो जो है वो बहुत ही ज्यादा हैरान एंड साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो जिसे सुनकर वो दोनों देरी ना करते हुए फेंग जियान और ये मास्टर यालो दोनों ही उस जगह के लिए निकल जाता है। एंड ये जो बोन चिलिंग फिल्म होता है ये स्काई से टूट कर गिरा हुआ एक स्टार होता है जो एक स्पेशल बॉडी एक सोल है जो कि उस जगह का एक गांव है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे 2-3 महीने के बाद एक बंदा आता है और बोन चिलिंग फिल्म को अपना फिजिकल बॉडी सैक्रिफाइस कर देता है एंड फिर वो जो बॉडी होता है वो फिर से वहाँ पे बोन चिलिंग फिल्म खा जाता है एंड वही सर्कल चलता रहता है 2-3 महीने के बाद एक बॉडी। तो जब फेंग जुनजी और मास्टर यालो उस जगह पे जाता है तो उन लोगों को सांस लेने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है एंड उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील करता है वो दोनों, जिसके बाद वो दोनों भी ब्रीदिंग फायर फील दोनों ही यूज करता है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। एंड वो दोनों जैसे ही यहाँ पे बोन चिलिंग फिल्म को धीरे धीरे ढूंढता है उन लोगों को काफी सारा बॉडी मिलता है एंड ऐसे मैजिकल बीस्ट का भी बॉडी मिलता है जिसके ऊपर बोन चिलिंग फिल्म ने एक टाइम पे कंट्रोल करके उन्हें मार दिया था। तभी यहाँ पे मास्टर यालो का जो माइंड होता है वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उनका जो मम्मी पापा का यादें होते हैं वो उसकी माइंड में आने लगता है, उसका क्लैन के बारे में उसकी माइंड में आने लगता है और वो यहाँ पे बैठ के अपनी माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जिसके बाद वहाँ पे उसके ऊपर मतलब याचन के माथे के ऊपर एक हाथ रखता है और तभी मास्टर याचन का जो माइंड होता है वो एकदम कंट्रोल में आ जाता है और जैसे मास्टर यालो अपना आंखें खुलता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जिसके नाम होती है हंस सेंसन। तो ये मास्टर यालो को समझाता है बट पहले तो ये डांटता है क्योंकि जब इस बंदी ने मास्टर यालो को पूछा था कि कहां जाना है तो इन लोगों ने कुछ बहाना बना के उसे ऐसे मतलब उसे साथ लाने के लिए मना कर दी थी, बट ये जो बंदी थी इसको भी इस फिल्म के बारे में पता चल था। तो तभी मास्टर यालो उस बंदी को बता देती है कि यहां पे एक फेवनली फिल्म है, जिसके बाद ये जो बंदी होती है हंस सेंसन ये नॉर्मली बिहेव करता है, हां मुझे पता है। ये बंदी मास्टर यालो को बोलती है कि ये जो उसका माइंड का डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ये उस बोन चिलिंग फिल्म का ही काम है। ये देखकर मास्टर यालो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हेवनली फिल्म एक ऐसा चीज है जिसकी नाम सुनते ही जिसके बारे में सुनते ही बंदा या बंदी हो पागल होने लगता है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, बट इस बंदी का कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है। जिसे देखकर वो बंदी मास्टर यालो को इतना चाहती थी ना पहले से, वो बात मास्टर यालो थोड़ा सा हजम कर लेता है। यहाँ तो वैसे डिटेल ही देखना है तो आप लोगों को जल्दी इसके ऊपर नोवेल वीडियो देखने को मिलेगा, बट अभी मेनली मैं सब कुछ समझा रहा हूँ। जिसकी वजह से मास्टर यालो, फेंग जुनजी और ये हंस सेंसन ये तीनों मिलकर वहाँ पे बोन चिलिंग फिल्म को ढूंढने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बॉडीज मिलता है जो बोन चिलिंग फिल्म ने एब्जॉर्ब करके मार दिया था उस फिल्म का जो बोन्स होता है उन सबको ये हंस सेंसन रिफाइन करने जाती है, मतलब रिफाइन करके उसे अपनी स्टोरेज रूम में रख के जाती है जो की मेडिसिनल में काम आती है। तभी उन दिनों के पास एक स्पाइडर आती है जिसको देखकर हंस सेंसन समझ जाती है क्योंकि हंस सेंसन यहाँ पे जो होती है ना वो मास्टर यालो से बड़ी होती है एज के मुकाबले, तो उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी होता है, वो पील टावर से होती है ना तो उसको याचन से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थी, इसकी वजह से वो बता देती है ये स्पाइडर भले ही है बट ये बोन चिलिंग फिल्म नहीं है, इसकी अंदर बोन चिलिंग फिल्म है जो इसको कंट्रोल कर रहा है एंड बोन चिलिंग फिल्म काफी ज्यादा पावरफुल है एंड उसका जो बॉडी है वो एक स्पेशल है सोल की तरह है, तो वो किसी भी क्रिएचर का सोल को इजीली कंट्रोल कर सकता है चाहे वो इंसानी क्यों ना हो। जिसके बाद वो जो स्पाइडर होता है वो मास्टर यालो के ऊपर अटैक कर देता है, बट पलक झपकते ही ये जो हंस सेंसन है ये मास्टर यालो को धकेल के साइड कर देती है और वो अटैक ये खुद ही डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड कुछ देर फाइट होने के बाद वो जो बोन चिलिंग फिल्म होती है वो उस स्पाइडर से बाहर निकल के भाग जाती है और ये स्पाइडर जो होता है ये इन लोगों के ऊपर कंटिन्यू अटैक करती है, जिसके बाद हंस सेंसन एक बीस्ट फिल्म निकालती है और इस स्पाइडर को जला के राख कर देती है और ये फिर से बोन चिलिंग फिल्म को ढूंढने लगता है। तो ये लोग जाते जाते उस जगह पे पहुंच जाता है जिस जगह पे वो गांव वाले आके अपना बॉडी सैक्रिफाइस करते हैं, उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे इन लोगों को मिलता है बोन चिलिंग फिल्म का स्पेशल फाइनल फॉर्म। तो मास्टर यालो यहाँ पे बोन चिलिंग फिल्म से बोलता है कि आ जा तू मेरे बॉडी को मतलब मेरे ऊपर समा जा, और मास्टर यालो भी एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और सोचता है कि अगर ये फिल्म अपनी बॉडी में आ गया तो इसे इतनी जल्दी तो जाने नहीं दूंगा,
लूंगा, इसे कैद कर लूंगा और रिफाइन कर लूंगा। बट मास्टर यालो यहाँ पे जितनी आसानी से सोच रहा था उतना आसान ये तो नहीं था। तो यहाँ पे जो बोनचिलिंग फिल्म होता है फेंगियान, मास्टर यालो और हंग सेन से तीनों से फाइट कर रहा होता है, बट मास्टर यालो से ये स्पेशल तरीके से कुछ ज्यादा ही फाइट कर रहा था। इसके बाद मास्टर यालो और ये बोनचिलिंग फिल्म का फाइट काफी देर तक चलता है, और वो जो बोनचिलिंग फिल्म है उसका पावर तो ऐसे ही लिमिटलेस है, आई मीन अनलिमिटेड है, और मास्टर यालो जो स्पेशल पावर से स्पेशल बॉडी बना के उसके साथ लड़ रहे थे। तो जैसे बोनचिलिंग फिल्म मास्टर यालो का एक बॉडी डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो फिर से एक स्पेशल बॉडी और बना रहा है, एंड ऐसे ही करके काफी हद तक ये लोग फाइट करते ही जाता है। तो बोनचिलिंग फिल्म और मास्टर यालो का जो ये फाइट देखता है, इसे देखकर ये जो हंग सेन सेन होता है ये समझ जाता है कि ऐसे तो ना होने वाला। तो वो कुछ अपने फिल्म्स को निकाल के, कुछ 20 फिल्म को निकाल के वो यहाँ पे मर्ज करने लगता है, और वो जो बोन्स वगैरह होता है उसे भी रिफाइन करके कुछ कुछ मतलब एक पावरफुल फॉर्मेशन बना के उसे कैद करने की सोचता है। बट तभी वो जो बोनचिलिंग फिल्म होता है वो भी कुछ बोन्स को रिफाइन करके मतलब उसे पावर एब्जॉर्ब करके इसका जो पावर होता है और भी ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसके बाद वो जाके ये जो हंग सेन सेन होता है इससे निगलने लगता है, जिस बोनचिलिंग फिल्म का एक फाइनल फॉर्म स्पेस को चीर के निकला था। और जैसे ही बोनचिलिंग फिल्म का वो फॉर्म यहाँ पे हंग सेन सेन को निकलने लगता है, मास्टर यालो इसे देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पे मास्टर यालो का जो पावर होता है वो यहाँ पे दाओ वेंग, दाओ वांग, दाओ जोंग ये सब कुछ क्रॉस करके दाओ जुन पे चला जाता है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा पावर बढ़ गया तो उसका बॉडी क्या हुआ। तो भाई ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा सैड होता है, क्योंकि जैसे मास्टर यालो यहाँ पे अपना पावर बढ़ा लाता है, बोनचिलिंग फिल्म देख के समझ जाता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इसका क्लैन में कोई एंसेस्टर वगैरह पहले डूडी होगा, और इस बंदे के अंदर भी कोई ब्लड लाइन होगा जो डूडी ब्लड लाइन है। और मास्टर यालो का पावर जैसे यहाँ पे दाओ जुन होता है, उसका बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है, बट जो उसका स्पेशल पावर है उससे वो अपना स्पेशल फॉर्म बना लेता है, और उसी से बोनचिलिंग फिल्म के ऊपर हमला करता है, और वो जो फाइनल फॉर्म होता है उससे यहाँ पे मास्टर यालो बहुत ही ज्यादा फाइट करता है, और वो जो बोनचिलिंग फिल्म होता है वो जो भी डर जाता है, और मास्टर यालो यहाँ पे बोनचिलिंग फिल्म के साथ फाइट करता है, और वो जो बोनचिलिंग फिल्म होता है वो भी मास्टर यालो के बड़े हुए पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और मास्टर यालो उसे इतना पेलता है इधर, जिसके अटैक से वो बोनचिलिंग फिल्म हंग सेन सेन को छोड़ देती है, जो आगे जमीन पे गिरती है, और मास्टर यालो ये जो बोनचिलिंग फिल्म होता है उसे मार मार के बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है, जिसके बाद ये जो बोनचिलिंग फिल्म होता है वो जाके हंग सेन सेन पर समा जाती है, उसकी सोल के साथ एकदम से मार्ज हो जाती है, जिसे देखकर हंग सेन सेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि क्यों बोनचिलिंग फिल्म उसके अंदर समा गई और उसकी हो गई, क्योंकि वो भी यही चाहती है कि बोनचिलिंग फिल्म मास्टर यालो को मिले। तभी मास्टर यालो हंग सेन सेन को बोलता है कि ये फिल्म वही रख ले, क्योंकि मास्टर यालो क्या जो अभी फिजिकल बॉडी है वो नहीं है, इवन मास्टर यालो ने अगर ये फिल्म ले भी लिया तो भी वो अपने साथ मार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हंग सेन सेन होती है वो मास्टर यालो को देख के बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके मास्टर यालो की जान को बचाएगा, जिसकी वजह से वो खुद की बॉडी जो होता है उसे एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, और अपना सारा फिजिकल बॉडी मास्टर यालो को ट्रांसफर कर देता है, जिससे मास्टर यालो का जो बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था वो धीरे धीरे रिकवर होता है, और ये जो हंग सेन सेन का बॉडी होता है वो धीरे धीरे करके एकदम से गायब हो जाती है, जिसके बाद मास्टर यालो और फेंगजियान दोनों ही जाके यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो जब उन दोनों का आंखें खुलते हैं तो वो दोनों डेथ जोन में ही होते हैं, और उसका जो मेमोरीज होता है यहाँ पे हंग सेन सेन को लेकर वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। इवन उन लोगों को भले ही याद है कि बोनचिलिंग फिल्म के साथ उनका फाइट हुआ, बट उन लोगों को ये याद नहीं है कि उन लोगों का मतलब उन लोगों को सेव किसने किया। लोग बस यही सोच रहा था कि शायद कोई उनकी क्लैन का एंसेस्टर डूडी वगैरह आके उन लोगों का सेव किया। बट तभी धीरे धीरे बोनचिलिंग फिल्म के बारे में पूरी तरह से बात फैल जाती है, और बहुत सारे क्लैन वगैरह, बहुत सारे टीम वगैरह आके यहाँ पे फाइट करता है, और ऐसे भी ये फाइट लॉन्ग चलता है, बट मैं यहाँ पे शॉर्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो 6-7 दिन से यही पे फाइट करता रहता है। और मास्टर यालो का भी यहाँ पे पावर दाओ हुआंग की पीक पर पहुंच जाता है, साथ ही साथ फेंग जुनजे का भी पावर वही दाओ हुआंग की पीक पर पहुंच जाती है, एंड साथ ही साथ इन लोगों के पास एक किंग हुआ नाम का भी बंदा होता है, जो कि ऐसे बाकी बंदे की तरह बोनचिलिंग फिल्म लेने के लिए आया था, जिसके साथ दो दाओ जोंग था, बट वो दो भी मरे जा चुके। तो ये वैसे तो मास्टर यालो के ऊपर थोड़ा बहुत अटैक करते हैं, बट लास्ट में जाके ये दोनों मिल जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों एक साथ बोनचिलिंग फिल्म को ढूंढने लगते हैं। बट इन दिनों में जितना भी फाइट हुआ, जितना भी लोग आए थे, किसी को भी बोनचिलिंग फिल्म का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिला, सबको पता था कि यहाँ पे डेथ जोन में बोनचिलिंग फिल्म है। बस ऐसे ही 10 दिन हो जाता है, और वो जो किंग हुआ होता है वो भी मास्टर यालो से पूछने लगता है, क्या तुम अभी तक से यहाँ पे रुकना चाहोगे, क्योंकि किंग हुआ यहाँ से जाने वाला था। और जैसे किंग हुआ जाता है तभी मास्टर यालो के पास एक फ्लैश चमकता है, जिससे वो चिल्ला के बोलता है बोनचिलिंग फिल्म, और इस बात को सुनकर फेंगजियान थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है ये मजाक कर रहा है। बट जैसे वो मुड़कर देखता है सच में मास्टर यालो के पास एक बोनचिलिंग फिल्म आता है, जो कि न्यू वर्जन जैसा लगता है, क्योंकि पिछली बार जब बोनचिलिंग
फिल्म से मिला था, तो वो याचैन फेंग जियान इन लोगों को मारना चाहता था, बट ये बहुत ही नॉर्मल स्वभाव की थी और ये मास्टर यावला की बॉडी में समा जाता है। तो भाई ये था मास्टर यावला और बोन चिलिंग फिल्म एंड मास्टर की जेब को लेकर एक छोटा सा एक्सप्लेन, और मास्टर यावला के जो ऊपर जो एक ट्रेलर आया है वो मैंने इसी चैनल पे मेंबर्स के लिए अपलोड कर दिया है, भाई आप लोग मेंबर ज्वाइन करके देख सकते हैं एंड साथ ही साथ मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा उससे। एनीवे ये वाला वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना, आप लोगों की तरफ से मास्टर यावला के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट करना। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।